पिछले विगत वर्षों में काफी काम शिक्षा पर हुआ है। जो मूलभूत संरचनाओं के विकास की बात होती थी उस पर काफी काम हुआ है, काफी नए भवन का निर्माण हुआ है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो एक परसेप्शन है एजुकेशन विभाग का, उसको हायर एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कूल के परसेप्शन को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। एक टीम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी टीम हम लोग बनाएंगे। सेक्रेटरी हमारे कॉम्पिटेंट हैं, महाजन साहब अच्छे भारत सरकार में भी काम किए हैं, बिहार सरकार में भी अच्छे पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर एक अच्छी टीम बनाएंगे और हम लोग शिक्षा विभाग में अच्छा काम करेंगे। तो बिहार की शिक्षा की स्थिति अब बदले बदले नजर आएंगे। एक प्रयास जरूर रहेगा, कितना बदल पाएंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जादू का छड़ी तो है नहीं कि हम चार्ज लिए कल कुछ बदल जाएगा। बट डेफिनेटली हम लोग प्रयास करेंगे बदलने का और उस पर हम लोग पुख्ता काम करेंगे। हम लोग जनता के बीच गए थे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का नारा था न्याय के साथ विकास का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के हैं उनका जो नारा था सामाजिक न्याय के साथ, आर्थिक न्याय के साथ साथ। और हमने भी उस समय चुनाव के दौरान जनता से हमने कहा था कि एक हम जो देखना चाहते हैं बिहार को, एक मॉडर्न स्टेट देखना चाहते हैं, डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें हैं, खासतौर पर जो हमें जो विभाग मिले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए है, और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि कनेक्टिविटी जो हो रोड की हर जगह तक उसकी कनेक्टिविटी पहुंचे, आम चाहे गांव से लेकर टोला, जो भी हमारे विभाग में जहां जहां तक जो भी जिम्मेदारी आती है उसको हम लोग जो है प्रॉपर ढंग से हम लोग काम करें। और जो जिस रफ्तार से जो रोड बनी थी नीतीश जी के दौर में, जो 10 साल का जो सरकार था, इसमें हम लोग और तेजी लाने का काम करेंगे, रफ्तार लाने का काम करेंगे। कोई रोड मैप बनाया आपने? अभी रोड मैप अभी जानकारी अभी हम लोग सब लोग अधिकारियों के साथ बैठेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे, पहले विभागों को जानेंगे, अधिकारियों को जानेंगे और क्या क्या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है उस पर हम लोग देखने का काम करेंगे, और आगे हमारा क्या टारगेट होगा आने वाले 5 सालों में इस पे भी कुछ दिनों में हम लोग बैठ करके सभी अधिकारियों को बुला करके ये चर्चा करने का काम करेंगे। फिर आगे जैसे भी फंड की प्रॉब्लम है नहीं है इसी चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे, मगर हमारा जो प्राथमिकता है वो बिहार का विकास का है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही जरूरी है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और इन चीजों को हम लोग मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। कहीं किसी का कंप्लेन आएगा तो उस पर हम लोग सख्ती से उस चीज को जांच करा करके कार्रवाई करने का काम करेंगे।